Hi 8th class, now we are going to start our next chapter. This is agriculture. Here is a given the some learning objectives that we will read in this chapter. So here are types of farming, major crops and agricultural development in India. So let's start the chapter. Students, agriculture is the most important activity of human beings as it fulfills our basic needs of food and clothing. The word agriculture is derived from Latin words agar or agri, meaning soil, and culture meaning cultivation or tilling of soil. Agriculture includes growing crops, vegetables, fruits, flower and rearing of livestock. 70% of India's population is dependent on agriculture. Student, just one, remember, agriculture is possible only when there is suitable land, soil and climatic conditions available for it. All areas of the world are not suitable for agriculture. Moreover, different parts of the world have different types of land, soil and climate conditions. Thus, they have different types of crops. जैसे कि आपको पता है, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा एग्रीकल्चर नहीं है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, सोयल भी डिफरेंट है. सो दैट्स वाई हर जगह पर उसी के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है. स्टूडेंट्स, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग, ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द रीजन, लेबर यूज्ड एंड द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय देम. Farming can be broadly classified into two main types. First one is subsistence agriculture and the second one is commercial agriculture. So हम बात करेंगे अभी यहाँ पे subsistence agriculture किसको बोला गया है. So students, subsistence farming, what is the meaning of subsistence farming? Is practiced by a farmer to meet the needs of his family. It means सिर्फ इसमें अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए खेती की जाती है और बचे हुए क्रॉप्स को स्टोर करके रखा जाता है. और द मेन फीचर्स ऑफ द सब्सिस्टेंस फार्मिंग आर, यहाँ पर क्या मेन फीचर्स होते हैं? एक तो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज़ अ स्मॉल, उनके खेतों के जो साइज़ होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं. और मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड वर्क ऑन द फार्म देमसेल्व्स, और घर के मेंबर्स ही वहाँ पर काम करते हैं. यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी इज़ बेयर मिनिमम, टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल काफ़ी मात्रा में यूज़ नहीं की जाती है. फार्मिंग इज़ डन बाय यूजिंग एनिमल्स एंड सिंपल टूल्स, सिर्फ फार्मिंग जो छोटे बहुत उनके पास टूल्स होते हैं या एनिमल्स की सहायता से की जाती है. फार्म आउटपुट इज जस्ट इनफ टू सस्टेन फार्मर्स फैमिली. फार्मर्स आर पुअर and have a low standard of living. So the students, subsistence farming can be further classified into two types. The first one is primitive subsistence farming and the second one is intensive subsistence farming. अब हम बात करेंगे कि intensive farming, ये intensive farming किसको बोला गया है? Students, this type of agriculture is practiced in thickly populated regions of Asia such as India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh or Malaysia, और कुछ पार्ट इंडोनेशिया का है, साउथ कोरिया, चाइना एंड जापान. यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को अपनाया गया है. दिस रीजन्स हैव फर्टाइल लैंड, ये बहुत ही फर्टाइल है लैंड यहाँ का. इवन रेनफॉल एंड सनशाइन फॉर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर,
सारा साल में सिर्फ एक ही टाइप्स की ये नहीं है कि वहाँ पे क्रॉप की जाती है, बल्कि जो विंटर सॉरी जो सीज़न होता है उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स को चेंज किया जाता है। और यहाँ के स्पेशल फीचर्स क्या है इन इंटेंसिव फार्मिंग के, कि फार्म साइज इज स्मॉल है ये, बट एवरी बिट ऑफ कल्टिवेबल लैंड इज यूटिलाइज्ड फॉर फार्मिंग, लेस यूज़ ऑफ फार्म मशीन्स एंड मोर यूज़ ऑफ लेबर। यहाँ पे मशीनों का बहुत कम यूज़ किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लेबर यूज़ की जाती है। यूज़ ऑफ सिंपल टूल्स एंड एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड ऑक्सन, जो छोटे मोटे इनके पास जो सिंपल टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे एनिमल्स का यूज़ होता है सच एज बफेलोज एंड ऑक्सन। यूज़ ऑफ इरीगेशन फॉर मीटिंग वाटर नीड्स, यूज़ ऑफ हाईली यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छी उम्दा किस्म के सीड्स का यूज़ किया जाता है। नेचुरल मैन्योर खाद भी यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ की जाती है। केमिकल इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। और मेन क्रॉप यहाँ पर कौन कौन सी है, राइस एंड अदर क्रॉप्स इंक्लूड यहाँ पर वीट मैज ऑयल सीड्स एंड पल्सिस, ये सारी की सारी यहाँ पर ग्रो की जाती है। यूज़ ऑफ मशीनरी एंड मॉडर्न मैथड्स ऑफ फार्मिंग इन रिसेंट टाइम्स हैज़ इंक्रीज्ड द यील्ड ऑफ मैनी रीजन्स, धीरे धीरे यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है, बट इतने बड़े लेवल पर यहाँ मशीनों का यूज़ नहीं किया जाता। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो ये सिर्फ जानने की है कि यहाँ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स टू द फार्मर्स फैमिली, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबर इज़ यूज्ड, आउटपुट ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज यूज्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फार्मर्स फैमिली, दैट आर द मेन फीचर्स ऑफ द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। नाउ दिस वन इज द सेकेंड टाइप्स ऑफ द सब्सिस्टेंस farming, and that is primitive subsistence farming. It refers to the types of agriculture practiced since primitive times, such as वो क्या क्या है, एक तो nomadic herding और एक shifting cultivation. So सबसे पहले हम ये जानेंगे कि primitive subsistence farming क्या होती है। So this type of farming is still practiced in few places in India. ये इंडिया के कुछ ही थोड़े बहुत भागों में की जाती है। It is practiced on small patches with the help of primitive tools like hoe, dough and digging sticks and family or community labor. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental condition. It is also called slash and burn cultivation. इसको slash और burn cultivation के नाम से भी जाना गया है। Farmers क्यों जाना गया इसको, क्योंकि farmers clear a patch of land and produce crops to sustain their family. इसका मतलब ये है कि वो उसको कल्टीवेशन करने के लिए जो लैंड एरिया होता है उसको पूरी तरीके से पहले वो साफ करते हैं। या जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है आप इसमें से भी देख सकते हैं, और फिर बाद में वो क्या करते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स को सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। व्हेन सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, जैसे जैसे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो घटती चली जाती है, द फार्मर शिफ्ट एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग इन द सेम वे ऑन अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड। अब फार्मर्स उस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर उसी तरीके से वो वहाँ पर भी खेती करते हैं। दिस अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये थोड़े समय के लिए नेचर के पास वो क्या होता है कि वो जो सॉइल होती है उसमें दोबारा से धीरे धीरे फर्टिलिटी आने लग जाती है। प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज लो एज फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न इनपुट्स आर नॉट यूज्ड, इट मीन्स यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती है, इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी यूज़ नहीं होते हैं। जो थोड़े बहुत उनके पास साधन सीमित साधन होते हैं उनकी सहायता से वो खेती करते हैं। अब हम यह बात करेंगे कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट वन है वो है नोमैडिक हर्डिंग, और नोमैडिक हर्डिंग किसको बोला गया है स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रैक्टिस्ड बाय नोमैडिक ट्राइब्स हु
रियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इसमें ट्राइब्स, आपको पता है कि ट्राइब्स क्या होते हैं, जो जनजाति और जन समुदाय होते हैं, जो कबीलों में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर अपने एनिमल्स को पालते हैं, लाइक कैटल, गोट्स, शेप्स और याक, देयर एनिमल्स प्रोवाइड द मिल्क एंड मिल्क मीट एंड मिल्क, दे ऑल्सो प्रोवाइड द वूल एंड हाइड्स विच आर यूज टू मेक क्लॉथ्स एंड शेल्टर्स, और इन्हीं एनिमल्स से उन्हें दूध और मीट के साथ साथ भी और क्या मिलता है, वूल भी मिलती है और उनकी जो स्किन को वो यूज भी करते हैं. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पास्चर लैंड ऑफ वाटर फॉर देयर एनिमल्स, वो एक जगह से दूसरी जगह है घूमते रहते हैं इन सर्च ऑफ वाटर अपने एनिमल्स के चारे के लिए और उनके पानी के लिए. दे आर अ लिविंग बाय सेलिंग द एनिमल प्रोडक्ट्स, और वो सिर्फ अपनी जीविका और आजीविका का गुजारा कैसे करते हैं, जो उनके एनिमल्स से जो उनको चीज़ें मिलती हैं वो जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं वो उनको बेच कर ही अपना गुजारा करते हैं. दिस टाइप ऑफ हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन स्पार्शली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड सच एज एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, सहारा इन अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान. और यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ स्पेशली जो मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल एशिया, सहारा इन अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया के भी कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में. और कुछ ट्राइब्स हैं, एक तो बेडोइंस भी हैं और खिरखिज इन सेंट्रल एशिया में मिलते हैं, और हमारे इंडिया में कौन से मिलते हैं, बकरवाला जो हिमाचल रीजन में मिलते हैं, और नोमैडिक हर्डर ग्रुप्स होते हैं ये. दे डू नॉट हैव एनी परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस, दे लिव इन टेंट्स एंड कैरी देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये टेंटों में रहते हैं, स्पेशल अपने लिए घर नहीं बनाते और एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते रहते हैं. एंड दीज डेज आजकल क्या है कि नोमैडिक हर्डर्स आर ऑल्सो चेंजिंग ओवर टू अ सेटल लाइफस्टाइल एंड नोमैडिक हर्डिंग इज ऑन द डिक्लाइन. अब नाउ दिस वन इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड दैट इज़ शिफ्टिंग कल्टिवेशन. अब ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑल्सो नोन एज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज अ प्रिमिटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल इन थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया. इसका मतलब क्या है, इस जो कल्टीवेशन को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, और ये कौन कौन सी जगह पर होती है, ज़्यादातर ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है, ये कुछ स्पेशल जगह है जहाँ पर ये की जाती है, और वो है एक तो अमेजोन बेसिन है वहाँ के फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, हमारे इंडिया के भी कुछ पार्ट है साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्राइबल होते हैं क्लियर अ प्लॉट ऑफ लैंड, वो जलाकर ऐसे या काट कर जितने भी पेड़ होते हैं उनको की सफाई करके उस लैंड को परफेक्ट बनाते हैं फॉर एग्रीकल्चर. द ट्राइबल क्लियर अ प्लॉट ऑफ लैंड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम. The ashes are then mixed with the soil to make them more fertile to grow crops like a maize, yam, potatoes and cassava. After the soil loses its fertility in a couple of years, the cultivators abandon the land and move to another area. क्या होता है जब यहाँ पर बार बार वो एक तरह की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो जो लैंड की फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, फिर वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं. एंड इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल वेयर रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट इज क्विक. शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. हमारे यहाँ पर जो कल्टीवेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसको झूमिंग के नाम से जाना गया है, और ब्राज़ील में इसको रोका के नाम से जाना गया, मलेशिया में लदांग एंड इंडोनेशिया में मिल्पा इन और मैक्सिको में इसके नाम से इसको जाना गया है.
स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल फार्मिंग कैसे? कमर्शियल फार्मिंग मींस फार्मिंग फॉर अ प्रॉफिट। सो सिर्फ प्रॉफिट के लिए एग्रीकल्चर की जाती है, जो फार्मिंग सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। इन कमर्शियल फार्मिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट। आप देख सकते हैं अच्छे से, आप यहाँ इसको एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। जो पहले हमने बात की थी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए, उसमें क्या था कि जो फार्मर्स होते थे सिर्फ वो अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरत के लिए क्रॉप्स लगाते थे और उनको सेव करके रखते थे। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कमर्शियल फार्मिंग की, जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए की जाती है। मार्केट लेवल पर क्रॉप्स को बेचा जाता है, फिर वहाँ से प्रॉफिट को अर्न किया जाता है। और कमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? कमर्शियल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, कमर्शियल फार्मिंग, इन कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। मेजर एरियाज प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर टेम्परेट ग्रासलैंड लाइक प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पंपास ऑफ साउथ अमेरिका एंड स्टेप्स इन यूरेशिया। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। These areas are sparsely populated. Due to severe winters, only a single crop can be sown in summer season. अब हम ये जानेंगे what is the main features of the commercial farming. So students, there are large farms spreading over hundreds of hectares. बहुत ही बड़े लेवल पर लैंड होता है इसमें। और इंटेंसिव में जो हमने जो अभी पढ़ा था सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, वहाँ पे छोटे लेवल के छोटे स्मॉल साइज में होते था जो लैंड एरिया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दीज आर लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फार्म इज वेरी हाई। Since the main aim of commercial farming is profit, सिर्फ profit कमाने के लिए farming की जाती है, it often employs very few workers. ज़्यादातर यहाँ पर modern techniques का use होता है और labor कम लगती है। Farming operations are fully mechanized. Massive machines like seed drillers, combine harvesters and threshers are used for different farming activities. Farms have proper storage facilities. A good network of transport connects the farms to the nearest commercial centers. These are the main features of the commercial farming. Ab hum baat karenge mixed farming. This is all the second types of the commercial farming. अब mixed farming किसको बोला गया है? In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops as well as for rearing livestock. Crops rotation is practiced. Farmers grow oats and wheat along with corn. Cattle are reared for meat and milk. पशुओं को सिर्फ milk और meat के लिए पाला जाता है। Farmers also keep poultry, और इसमें poultry farm भी रखते हैं, वो मुर्गियों को पालते हैं। It helps farmers to earn more from the same farmland. While animals waste is used as manure, waste from the farm is used for feeding animals. अब मिक्स्ड फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड कहाँ कहाँ होती है ये? यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड अ रेडी मार्केट मेक फार्मिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड अर्न गुड मनी फॉर द फार्मर्स। Now this one is the next third types of the commercial farming, and this is plantation agriculture. What is the meaning of plantation agriculture, students? Plantation agriculture means planting a single types of trees or bush crops on a very extensive scale. It means एक ही तरह के
टाइप की जो है क्रॉप्स को लगाया जाता है बहुत बड़े एरिया पर। अब वो क्रॉप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशो, रबड़, बनाना और कॉटन आर ग्रोन विच कंटिन्यू टू गिव यील्ड ओवर द ईयर्स। प्लांटेशन एग्रीकल्चर रेफर्स टू द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल and plantation agriculture is a specialized economic activity which involves the growing and processing of a single cash crops solely in the purpose of sale in the market and these cash crops are grown on large estates or plantation. So students, the main features of the plantation agriculture are: plantation agriculture requires a huge capital. Farms are very large. Intensive use of machines and skilled labor. These are the example of plantation agriculture. और यह parts हमारे यहाँ पर बताया गया है, जो आप इसमें ध्यान से देखेंगे map area में कि कहाँ कहाँ पर हमारी plantation agriculture की जाती है। And plantation are managed like an industry. The produce is processed on the farm itself or in nearby factories. Plantation are well linked to the markets in a well developed system of transport and communication. Major plantation are located in the tropical regions of the world. For example, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka, and rubber in Malaysia. And major crops are already given here. The various types of crops can be categorized into the following types. अब crops को भी के भी types के according उसको divide किया गया है. And these are food crops such as rice, wheat, millets. Beverage crops such as tea, coffee. Fiber crops such as cotton and jute. Cash crops such as sugar cane and rubber. Now students, हम बात करेंगे यहाँ पे major crops की. A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw material for agro-based industries. जो agro-based industries का मतलब है जो सिर्फ खेती पर आधारित industries होती हैं, जो वहाँ के material को use करके final product बनाती है और market में sell करती हैं, that are known as agro-based industries. Major food crops are wheat. कौन कौन से हैं यहाँ पे? Wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops होती हैं ये, और important beverage crops are tea and coffee. So students, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे crops को 3 categories में divide किया गया है. तो first one is food crops, जो कि खाने में use होती है, वो है which wheat, rice and maize. और फिर second type की बोला गया यहाँ पे fiber crops, जो कि हैं cotton and jute. एंड देन उसके बाद है बेवरेज क्रॉप्स, जो कि हैं टी और कॉफ़ी. और एक इसके अलावा है कैश क्रॉप्स, जहाँ से कैश मिलता है प्रॉफिट के लिए जो क्रॉप्स लगाई जाती है, वो है शुगर किन और रबर. अब यहाँ पे बात करें फूड क्रॉप्स की, जिसमें कि राइस है. राइस के बारे में बताया गया है कि जो फेवरेबल कंडीशन फॉर राइस कल्टिवेशन के लिए है, एक राइस को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस का होना भी बहुत ज़रूरी है. अब हम यहाँ कि राइस जो है कि वो मेन फूड क्रॉप्स में आती है, और दे आर आल्सो कॉल्ड सीरियल्स. इनको सीरियल्स के नाम से भी जाना गया है. सो दैट वाई दीज आर आल्सो नोन एज सीरियल्स. अब राइस के जो फेवरेबल कंडीशंस अब हम बात करेंगे. राइस आल्सो नोन एज पैडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स इन द वर्ल्ड. It is the staple food for more than half of the world's population. It means ये सबसे ज़्यादा use इसका consumption होता है rice का पूरे world में. और इसके लिए इसको grow करने के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ही most important है? High temperature, high humidity, rainfall, alluvial soil and clay soil. ये दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर राइस कल्टिवेशन.
एंड राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, केरला, बांग्लादेश. और लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग वो है चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट. उसके बाद हम बात करेंगे वीट. Wheat is the second most popular staple food in the world. Wheat crops grow well in a cool climate with a moderate rainfall. It requires temperature below 25 degrees Celsius and a rainfall of about 50 to 75 centimeter. Or the here is a given the favorable condition for wheat cultivation, and these are moderate temperature, moderate rainfall, bright sunshine. और किस टाइप की soil चाहिए? loamy soil. और wheat producing states हैं हमारे इंडिया में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब. और उसके बाद हम बात करेंगे all over world में leading producer of wheat USA, Canada, India, Russia, Ukraine and Australia. Now the next one is millets. Millets are a group of coarse grains like jawar, bajra and ragi. They are widely grown around the world as a cereals crops or grains for fodder and human food. So students, they have a high nutritional value. And here is a given the favorable conditions for millets cultivation, and these are less fertile and sandy soil or low rainfall, high to moderate temperature. अब अपने इंडिया की बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये क्रॉप्स की जाती है. सो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान. और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो लॉर्डिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स नाइजीरिया, चाइना एंड नाइकर मैज. मैज इज़ वन ऑफ द वाइडली ग्रोन क्रॉप्स अराउंड द वर्ल्ड. It needs a moderate temperature and rainfall, lots of sunshine and well-drained fertile soil. In areas of lesser rainfall, the crop is irrigated. It is also known as corn. So here is a given the favorable condition for maize cultivation, and these are moderate temperature, rainfall, bright sunshine, well-drained fertile soil. And male maize producing states here are Madhya Pradesh, Karnataka and Andhra Pradesh. And leading producer of maize, and these are India, America, Brazil. Now हम बात करेंगे यहाँ पे कॉटन और जून के बारे में, ये जूट के बारे में. ये किस टाइप के क्रॉप्स में आती हैं स्टूडेंट्स? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये फाइबर क्रॉप्स में हैं. और कॉटन, कॉटन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स एज इट इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांट. ब्लैक सॉइल इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग कॉटन. इट ग्रोज बेस्ट इन प्लेस हैविंग हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, ब्राइट सनशाइन, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल. दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर कॉटन कल्टिवेशन. और कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं हमारे इंडिया में कौन कौन, कहाँ कहाँ पर है? गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में. अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया, चाइना, यूएसए एंड ब्राज़ील. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जूट. सो जूट, also known as golden fiber, is one of the cheapest and strongest natural fiber. It is grown in the tropical areas. It requires high temperature, alluvial soil, heavy rainfall, humid climate. These are the favorable conditions for jute cultivation. और हम अगर अपने इंडिया में बात करें तो कहाँ कहाँ, कौन से स्टेट में इसको ग्रो किया जाता है? तो वेस्ट बंगाल, आसाम, बांग्लादेश. Now coffee. This is the beverage crops. Coffee, coffee a favorite drink around the world. It is a tropical plant. It grows on hill slopes. And here is a given the favorable condition for coffee plantation: warm temperature, moist climate, well drained loamy soil, hill slopes. Or coffee producing states in India आर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु. और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्राज़ील, इंडिया एंड कोलम्बिया. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टी. टी इज़ अ पॉपुलर बेवरेज क्रॉप्स ग्रोन ऑन प्लांटेशन. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द यंग लीव्स ऑफ द टी प्लांट.
और हियर इज अ गिवन द फेवरेबल कंडीशन ऑफ टी प्लांटेशन आर कूल क्लाइमेट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल जेंटल स्लॉप्स वेल ड्रेन लॉमी सॉयल और टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर आसाम वेस्ट बंगाल एंड केरला लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इंडिया चाइना एंड केन्या. अभी हमने यहाँ पे अपनी फूड क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स के बारे में रीड किया है. इन नेक्स्ट वीडियो में वी विल रीड अबाउट द कैश क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया. ये हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आई थिंक यू गॉट इट एवरी स्टूडेंट्स. टिल देन कीप रीडिंग. हैव नाइस डे.